तो मैंने इंग्लिश की वैसे फॉर्मल प्रिपरेशन करी नहीं है, मैं खुद हिंदी मीडियम से हूँ, आरबीएससी बोर्ड से करा है, डीएवी स्कूल है कैसरगंज वहाँ से। तो आप सोच सकते हो कि ना सीबीएसई वाले बंदे देखते हैं यार हमको सब कुछ आता है, लेकिन वहाँ की इंग्लिश कुछ अलग आती है। सीबीएसई वाले बंदे ज़्यादा से ज़्यादा ग्रामर पोर्शन निकाल सकते हैं। अगर वहाँ का कॉम्प्रिहेंसिव पार्ट ऐसा आता है कि आप दो स्क्रीन में एक पैरा आता पूरा, उसको पढ़ने में 10-15 मिनट लग जाते हैं, तो उसके आंसर देने तो बहुत दूर की बात पड़ जाती है। इसीलिए तो सबसे अच्छा होगा कि आप न्यूज़पेपर पढ़ो, जितने ज़्यादा हो सके न्यूज़पेपर पढ़ो। इंग्लिश न्यूज़पेपर बहुत फ़ायदेमंद देता है। अगर ऑनलाइन आपको कोई आर्टिकल मिल रहा है तो उसको पढ़ो, और हो सके तो करंट अफेयर्स वाले ज़्यादा पढ़ो, क्योंकि फ्री में ना आपको स्टोरी टाइप देगा, भाई वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज़ ए किंग समथिंग टाइप, तो आपको ऐसा लगेगा यार ये तो बच्चे वाला गेम था, कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन फ्री में ऐसा आएगा कि जैसे अभी मोदी जी यात्रा कर रहे हैं वगैरह कर रहे हैं, तो सब कुछ आएगा और पूरा फैक्ट्स के साथ आएगा, तो उसको पढ़ने में ज़्यादा दिक्कत होती है क्योंकि वो रिकॉल नहीं होता जल्दी से ऐसा होता। तो अगर इंग्लिश की बात है तो इंग्लिश में इन सबसे करता था, मैथ्स वगैरह, मैथ्स की तो बेसिक जो स्क्वायर रूट क्यूब रूट वगैरह होते हैं वो सब आपको क्लियर एकदम याद रहनी चाहिए, जुबानी याद रहनी चाहिए आपको। ऐसा रीजनिंग ऐसा है कि वो आप पे डिपेंड करता, आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करते जाओगे वो आपको उतनी जल्दी आती जाएगी, क्योंकि पजल्स वगैरह होती है कि अगर हो सकता है कि आपको 5 सेकंड के अंदर कोई पजल क्लिक हो जाएगी, और कभी कभी होता है कि आप ना 5-10 मिनट बैठे रहते लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि इतनी सी बात मिस कर रहे अपन की वो नहीं आ रही मुझे, ऐसा होता है। और कंप्यूटर वगैरह तो सिंपल आता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक दिन में तो देखो ना वो आपके इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है, जैसे ना अगर आप टाइम टेबल के हिसाब से चल रहे हो तो आपकी इच्छा है। मैं टाइम टेबल नहीं चलता था, मेरे को जैसे आज मैथ्स पढ़नी है तो सिर्फ मैं मैथ्स पढ़ता था, आज रीजनिंग पढ़नी है तो आज रीजनिंग पढ़नी है। जब भी पढ़ो बस ऐसा पढ़ो कि है ना दिल लगा के पढ़ो, उसमें पढ़ो, मतलब कम से कम 2-2.5 घंटे तो आपको पर सब्जेक्ट देने पड़ेंगे ऐसा। और जब भी करो ना तो हो सके तो पीछे वाला जैसे आपने 1 मंथ पहले कोई करा था चैप्टर उसको एक बार रिकॉल करो, तो उससे क्या कि वो ना आपके दिमाग में रहेगा यार कि इसकी ये ट्रिक थी और ये याद रहेगा, वरना वहाँ पे फिर जाते हैं ना लॉन्ग टर्म मेथड याद आएगा और फिर आप कुछ कर नहीं पाओगे, फिर लॉन्ग टर्म में फिर वो टाइम लग जाता है। इसलिए और कोई मैम क्लर्क में इंटरव्यू था नहीं, सबसे पहली बात तो ये है कि आपके क्लर्क में इंटरव्यू नहीं है, ये बड़ी बात है। उसका फिर आपका है ना अगर देखा जाए तो उसमें आप एवरेज 1 मिनट में एक क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो भी आप प्री क्लियर कर लोगे, लेकिन आपकी स्पीड फिर भी बढ़ाओ, हो सके तो कम से कम 2 क्वेश्चन 1 मिनट के निकालना सीखो, चाहे भले मैथ्स हो रीजनिंग हो कुछ भी हो, उसका बहुत इफेक्ट पड़ता है। जितनी ज़्यादा आप स्पीड से कर पाओगे उतना फ़र्क पड़ेगा ऐसा। और सबसे ज़्यादा पहले है ना इंग्लिश थोड़ा है ना अगर वोकैब क्लियर हो सके तो आप ज़्यादा करो, जहाँ तक हो सके वोकैब का बहुत फ़र्क पड़ता है। अगर किसी चीज़ का अर्थ आपको पता होगा तो आप है ना कुछ अगर गैस भी करोगे तो हो सकता है आपका आंसर सही जा सके। मैंने ज़्यादातर ऐसा करा, मुझे मतलब वोकैब स्ट्रॉन्ग थी मेरी, बाकी भले मुझे ग्रामर ऐसा अगर प्योरली देखा जाए तो मुझे ग्रामर नहीं आती। मेरे बैच में बहुत से बंदे थे जो मेरे से भी वो थे और इंग्लिश में ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछते थे सर को जो मुझे नहीं आते थे, लेकिन फिर भी है ना सर अगर कुछ क्वेश्चन पूछते थे मैं जवाब देते था सर ऐसा है, वो मुझे ये नहीं पता था कि क्या कारण है, बस ये पता था सर ये है जवाब। तो यही है कि अगर आप पूरा नॉलेज ले सकते हो या फिर आपके काम का नॉलेज ले सकते हो तो इससे बढ़िया है कि आप वोकैब स्ट्रेंथ करो, वोकैब बहुत फ़र्क पड़ता है वोकैब स्ट्रॉन्ग करो। और मैथ्स रीजनिंग का तो बेसिक क्लियर रहना पड़ेगा, बेसिक बहुत जरूरी है। फ्री में तो इतना देखो आपको ना जब आप ये पढ़ रहे हो ना इसी को अगर आप रिवीजन करते जाओगे तो फ्री आराम से क्लियर होगा आपका। मेंस का ऐसा है कि जी के आप रोज न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ रहे हो, कभी कोई आर्टिकल ऑनलाइन आ रहा हो पढ़ लेते हो तो जी के क्लियर हो रहा, बाकी सर के व्हाट्सएप से वो आ ही जाता है जी के का लिए अलग से, तो अब जी के वहाँ से क्लियर हो जाएगा। कंप्यूटर सेक्शन बहुत लिमिटेड है, कंप्यूटर में इतना कुछ खास है नहीं कि आपका फ़र्क पड़े इतना, मतलब आपने अगर कोई अगर छोटी मोटी बुक भी खरीद ली तो उसमें सब कुछ आ जाता है कंप्यूटर रिलेटेड, वो रैम वगैरह ऐसे छोटे मोटे क्वेश्चन पूछते हैं वो सेक्शन क्लियर होता है। बैंकिंग ऐसा है कि आपको जो करंट अफेयर्स है उसी पे रहना पड़ेगा, जैसे अभी आरबीआई ने जो भी कुछ करा है नया आप एक बार आरबीआई की साइट विजिट कर लीजिएगा, रोज कम से कम एक बार आरबीआई साइट विजिट करेंगे तो आपको वहाँ का नोटिस क्या डाला उन्होंने वो सब कुछ पता चल जाएगा। आरबीआई मेन हेड है तो उसका ज़्यादा फर्क पड़ता है, आरबीआई जो भी करेगा वो एसबीआई वगैरह सभी ऐसे ही करते जाएंगे तो आपको उससे फ़र्क पड़ जाएगा। और बाकी तीनों सब्जेक्ट है उन पे आप कंटिन्यूस मेहनत करोगे तो आप एडिशनल वर्क भी करते थे या
नहीं, मैं वर्क नहीं करता था, मैं सिर्फ घर पे पढ़ाई करता था, उसके अलावा कुछ नहीं करता। घर पे यार केवल 6 घंटे या कभी 5 घंटे, जब भी इच्छा हो, अगर कभी बैठो तो है ना, कम से कम 2-2.5 घंटे तो बैठना कंटिन्यू। ऐसे मत बैठना यार, बैठा मोबाइल पास में पड़ा है, व्हाट्सएप मैसेज भेजा, चलो यार 2 मिनट लग जाए, फिर भेजा, फिर 2 मिनट लग जाओ, हो सके तो मोबाइल से दूरी रखना। जब जब पढ़ाई करो कम से कम 2-2.5 घंटे मोबाइल को अलग रख देना, साइलेंट करके रख देना जाए, फिर बाद में आराम से अटेंड करो, कोई दिक्कत नहीं। अभी इस लास्ट बैच में हुआ पंजाब नेशनल बैंक, फर्स्ट चॉइस हुई थी। इंटरव्यू दे नहीं पाया था मैं 2014 में, इंटरव्यू दे नहीं पाया, क्लर्क में इंटरव्यू खत्म कर दिया गया है, तो इंटरव्यू नहीं होता है। और कोई डाउट नहीं है? नहीं, सर ने एक बुक रिकमेंड करी थी किरण पब्लिकेशन वाली, और एक एनएस टूर थी जो बैंकिंग के लिए थी, केवल वो दो बुक एनएस टूर, हाँ बैंकिंग अफेयर्स के लिए थी वो, तो लेटेस्ट एडिशन वो लिया था मैंने, उसके अलावा केवल कुछ भी नहीं पढ़ा, उसमें सारे पिछले साल के पेपर्स थे तो वो करा, और कुछ नहीं पढ़ा। और किसी का डाउट कोई उसमें बताओ कि भाई आपकी सफलता में एस जी क्लासेज ऐसा है कि अगर आप देखें तो स्टार्टिंग में आप आते हो को कुछ भी नहीं आता है, यहाँ आके मैंने रीजनिंग की ट्रिक सीखी है। रीजनिंग में आप वैसे देखोगे तो यार चलो ठीक है, कुछ दिमाग लगा के आ जाता होगा, लेकिन यहाँ आने के बाद जब सर सिस्टमेटिक तरीके से बताते हैं कि सबसे पहले ये चीज़ करो, फिर ये चीज़ करो, ये चीज़ करो, तो सब चीज़ अपने आप फटाफट आ जाती है। चाहे कितनी बड़ी पर्चर हो, चाहे कैसा भी डिफिकल्ट क्वेश्चन हो, चाहे 2-3 क्वेश्चन एक टाइप के मिलके फिर बन के क्वेश्चन हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एस जी क्लासेज आने के बाद ये मेरे कंसेप्ट क्लियर हुए, रीजनिंग के बहुत अच्छा कंसेप्ट क्लियर रहा, मैथ्स का वैसे क्लियर हुआ है। वैसे कॉमर्स से हूँ तो केवल ये इंटरेस्ट वाले, सिंपल इंटरेस्ट वाले ये क्वेश्चन आते थे, उसके अलावा कुछ नहीं आता था, लेकिन अगर जब ये स्पीड लिमिट वाले ये वाले क्वेश्चन आते तो ये मुझे नहीं आते थे, यहाँ आके हुआ है, वो बेसिक क्लियर हुआ है। क्यूब रूट वगैरह 12th में कौन ध्यान देता है, कॉलेज में भी सब ऐसे ही चलो यार चले तो चले, नहीं तो एग्ज़ाम देने तो जाना बस। अगर देखा जाए तो कॉलेज वगैरह यूँ वेस्ट है, केवल डिग्री हाथ में आती है सिर्फ। यहाँ आने के बाद सारा बेसिक क्लियर करा है, इंग्लिश सेक्शन जरूर थोड़ा बहुत था पहले से, और यहाँ आके थोड़ा बहुत और हुआ, उसका फ़र्क पड़ा, और जीके वगैरह आप कंटिन्यू। देखो मैंने है ना कभी एसएससी पे ध्यान नहीं दिया, मैंने पूरा फोकस सिर्फ बैंक पे रखा। अगर आप देखो ना कि अगर आप हर जगह भागना चाहते हो तो आप नहीं जा सकते, आपका जहाँ मेन एम है ना आप वहाँ जाओगे ना बहुत जल्दी पहुँच जाओगे। अगर आप देखोगे यार ये भी ले लूँ, ये भी ले लूँ, ये भी ले लूँ, ये भी ले लूँ, ये नहीं हो सकता। अगर उस फील्ड से रिलेटेड कुछ है तो आप ले सकते हो, लेकिन अगर एसएससी की जहाँ बात कर रहे हो ना आप, वो आपको दिक्कत नहीं है, क्योंकि ना बैंक का ज़्यादातर कोर्स देखा जाए तो 80% कोर्स ऐसा है जो एसएससी में आ रहा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे आपको। केवल 20% ऐसा है जैसे बैंकिंग अफेयर्स हुआ या फिर ये कंप्यूटर रिलेटेड कुछ हुआ, वो तो एक्स्ट्रा है, वो उसमें तो आपको जोड़ आना नहीं चाहिए। तो है ना अगर आप एसएससी की भी कर रहे हो ना तो बैंक की प्रिपरेशन तो ऑलरेडी हो रही है आपके साथ, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे साथ। और कोई डाउट आप लोग? नहीं, अगर मतलब कमांड देखी जाए तो है ना मैथ्स वगैरह है ना उसमें कम थी मेरी, लेकिन मैथ्स में मैंने ना जहाँ देखा एक्यूरेसी पे पूरा ध्यान दो आप, हो सके तो चाहे क्वेश्चन कम अटेम्प्ट करो लेकिन एक्यूरेट करो। मेरे लगभग 90-95% क्वेश्चन ऐसे हैं जो एक्यूरेट है एकदम, बहुत कम मेरे है ना बहुत कम गलत गए देखा जाए। मेरे 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे थे, मैंने 75 नंबर आए हुए, तो केवल 5 क्वेश्चन गलत हुए मेंस में, केवल 5 क्वेश्चन गलत हुए मेंस में। तो अगर हो सके तो आप है ना एक्यूरेसी पे ध्यान दो, एक्यूरेसी आएगी तो फिर अपने आप ही आपका दिमाग है ना काम करेगा, अगर हाँ यार ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, ऐसा ऐसा करना। और कोई और तो बधाई तो दो वैल्यूएबल टाइम इनको दिया, इनकी क्वेरीज सॉल्व करी, क्योंकि लाइफ एक्सपीरियंस हमेशा आ ही होगा।
आपको कहानी बता रहा हूँ, हरीश था, ये था, वो था, और ये बात बिल्कुल सच है कि भले ही एस टी कैटेगरी से आता है लेकिन उसकी नौकरी जनरल कैटेगरी से आई है। बस मुझे इस बार बोला था कि सर इस बार मैं जनरल कैटेगरी से फॉर्म भर रहा हूँ, मुझे ये रिजर्वेशन का चक्कर ही नहीं चाहिए। और ये पता नहीं क्यों बोल रहा है, मैथ में कमजोर है, क्लास में सबसे यूनिक क्वेश्चन यही पूछता था। लेकिन ये ठीक है, आपने सवाल तो बता दिया ना, क्वेश्चन तो मेरे को आता है, अब तो ट्रिक बताओ। ये पहला बंदा है मैंने क्वेश्चन पूछा, मतलब सर आता है मेरे को, अब तो ट्रिक बताओ ना, ये क्या सिखाया जाएगा, तो ट्रिक सीख मैं ट्रिक कमांड करता जा करता जा। और देखो लॉन्ग प्रोसेस है ना, 2014 में मैं एग्जाम देने शुरू करे, शायद तब सेलेक्ट हो गया था, पर जो ईश्वर की इच्छा है वो सर्वोपरि है, नहीं हुआ किसी भी कारण कोई बात नहीं, लेकिन हिम्मत नहीं आ गई और कॉन्टिन्यूस एफर्ट करता रहा करता रहा करता रहा, और 2014 में रिजल्ट आपके सामने। अब देखो उसकी लाइफ सेट है, तो ईश्वर की बात चल रही होगी पीछे बड़े होता ठीक है। और किसी बच्चे की इंक्वायरी नहीं, इनको फ्री कर दें।